सिटी कलेक्शन, शाहजहां मार्केट, जाटकपुरी, चुंगी, फिरोजाबाद। लेडीज जेंट्स किड्स वेयर एंड वूलन हॉजरी। आरिफ भाई, एसपी कलेक्शन, AIMIM, जिला सचिव, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7453078794। यह वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद की एक ऐसी गली जिसमें आज तक विकास ही नहीं हुआ। जी हां, बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के क्षेत्र रामगढ़ रोड गली नंबर 1 और वार्ड नंबर 60 के लोग विकास देखने को यहाँ तरस गए हैं। आज भी रामगढ़ रोड गली नंबर 1 के लोग ऐसा जीवन गुजार रहे हैं जैसे कि लगता ही नहीं है कि फिरोजाबाद के नगर निगम में ये गली भी आती है। बता दें, वार्ड नंबर 60 की गली नंबर 1 में कई सालों से कोई विकास नहीं हुआ। काफ़ी लंबी गली है पर रोड से लगभग 15 फीट गड्ढे में ये गली है। यहाँ के लोग नर्क बनी जिंदगी गुजार रहे हैं, पर इस गली पर ना तो क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि रेहान अली और नगर निगम किसी की भी नज़र इस ओर नहीं है। रोड से गली काफ़ी नीची होने की वजह से गली में लगभग 8 से 10 फीट पानी भर जाता है, जिससे गली में रहने वाले निवासी मानसून आते ही अपना निवास छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में किराए पर चले जाते हैं। कई बार क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम से शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस गली के पीछे एक मीरा नाम से एक ग्लास फैक्ट्री चलती है, जिसकी बारिश के चलते दीवार टूट गई है, तो पूरे कोहिनूर रोड क्षेत्र का पानी इसी गली में भर रहा है। कहा कि हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। इस गली में एक मस्जिद भी बनी हुई है जिसमें नमाज नहीं हो पा रही है। बच्चों का निकलना बिल्कुल बंद हो चुका है। डर लगता है कि वे कहीं बाहर निकले तो डूब न जाएं। हालत इतनी गंभीर है कि फिर भी इस गली पर निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा। वही मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि हम विधायक मनीष असीजा के पास भी गए थे पर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। कहा कि हमारी इस गली में एक दो प्लॉट खाली हैं, उसका सहारा लेकर इस गली को नहीं बनवाया जा रहा है, जबकि हम ये कहते हैं कि आप गली का निर्माण शुरू करें। कहा कि हम उन प्लॉटों को भी भरवा देंगे और इस गली में जो भी प्लॉट बने हुए हैं वह सारे प्लॉट बने हुए हैं, बस एक दो प्लॉट ना बनने की वजह से पूरी गली का निर्माण रुका हुआ है। आखिर ऐसी नर्क बनी जिंदगी हम कब तक जीते रहेंगे। कहा कि हम वॉइस टीवी यूपी के माध्यम से शासन और नगर निगम से अपील करते हैं कि हमारी इस गली को जल्द से जल्द बनवा दिया जाए, ताकि जो मकान खाली कर करके लोग गए हैं वह अपने मकानों में आ सकें और यहाँ के लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। देखें ये रिपोर्ट, मकबूलुद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, फिरोजाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा शकील अहमद नाम है जी। और मैं जो है मदीना कॉलोनी 1 नंबर गली में रहता हूँ। मस्जिद है यहाँ पर, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने बड़े बूढ़े आ नहीं पाते हैं, बच्चे गिरते हैं, पढ़ने जाते हैं बच्चे, कोई सुनवाई नहीं करता है कि जिसके पास जाओ वो कह देता बन जाए, सुनवाई कोई नहीं करता। इतना इतना पानी भर जाता है, जब पानी पड़ता है फिट पानी इसमें भर जाता है, कम से कम 8-10 फुट 4-5-6 फुट पानी तो भर ही जाता है करीब, और सब घुटुओं तक पानी होता है। कुछ लोग जा पाते हैं नमाज़ पढ़ने, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, नुकसान इतना होता है, सब बच्चे बर्तन नर्तन तमाम चीज़ें ले लेकर औरतें वगैरह जाती हैं और सब खाली करके जाते हैं, कोई सुनवाई कर ही नहीं रहे। आपने पार्षद वगैरह, हमने पार्षद से कहा, उन्होंने वो मना नहीं करते। पार्षद साहब मना नहीं करते, पार्षद साहब कहते हैं बनेगी गली तुम्हारी, पर काम नहीं हो पाता। सच्चाई ये है कि वो मना नहीं करी उन्होंने कभी, पर वो हाँ विधायक साहब के पास गए, विधायक साहब ने कही कि बनेगी तुम्हारी गली, टाइम लगेगा। ये कह दी नूतन राठौर के पास भी गए थे। क्या कितना टाइम बताया गया, कितना टाइम लगेगा? उन्होंने बस आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद में काम कुछ नहीं होता। एक आध प्लॉट भरा नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। वहाँ से ले गए यहाँ तक कम से कम 25 फुट गली है, उसमें एक भी प्लॉट सब भरे हुए हैं। वहाँ से शुरू कर दें, 2-3 प्लॉट हैं उसको भरवा दिया जाएगा, अगर नहीं हो तो काम रोक दें। अभी दबरई पे भी गए, वहाँ से आके 25 फुट करीब सब प्लॉट भरे हुए हैं, सबके मट्टी डल सकती है, उसके बाद डलने के बाद अगर प्लॉट नहीं भरे जाए तो रोक दें गली, पर इसका बहाना लेके काम नहीं करते हैं बिल्कुल। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को, पूरे समझ लो मुँह के बीच में जवान होती है इस तरीके से, पूरा हमारे आबादी में है मस्जिद पर ये गली नहीं बन पाती है, कोई सुनवाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग तमाम लोग। मस्जिद जहाँ नमाज शुरू हो जाती है
नमाज बंद नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारा काम शुरू हो जाए जल्दी से जल्दी। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। ये कौन सा क्षेत्र लगता है? ये रामगढ़ रोड गली नंबर 2, ये गली नंबर 1 है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? हर साल की ये समस्या, हम लोग पार्षद के पास अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं, लेकिन कोई भी मतलब और गलियां बनती हैं लेकिन इस गली का नंबर अभी तक नहीं आया। पिछले कई सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस गली को बनाया जाए। और ये पीछे जो कारखाना है इसकी दीवारें भी अक्सर गिरती रहती हैं, जिसकी वजह से बारिश का, जब भी बारिश होती है तो सारा पानी यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। और यहाँ पर अब मस्जिद भी तामीर हो गई है, जिससे मस्जिद में जो नमाजी आते हैं उनको और जो है उनको नमाज़ पढ़ने की बिल्कुल परेशानी हो रही है। कल कई नमाजें नहीं हो पाई जिसकी वजह है पानी भर चुका था। कितना लगभग पानी भरा हुआ है? और रोड से गली कितनी नीचे है? जो है गली रोड से कम 15-16 फीट नीचे है, और पानी जो है कम से कम 5-7 फीट जो है पानी भर जाता है यहाँ पे।